फरिया तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो रुक जाओ। मुझे रोककर क्या करेंगी आप? रोकना तो आपको सामिया को चाहिए था, उसे तो आप रोक ना सकी। फरिया देखो, इस पे मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि वो जाके सामिया को लेकर आ जाएगा। अगर ऐसे पता होता तो मैं कभी भी उसको ऑफिस ही नहीं जाने देती। यकीन करो, ये दोनों बहनें इतनी तेज है ना, अपने शौहरों को इन्होंने शीशे में उतारा हुआ है। मेरा बस चले ना तो मैं इन दोनों बहनों को निकाल के घर से बाहर कर दूं। ऐसे मेरे घर पे कब्जा करके बैठी हैं और ऐसे अपने शौहरों पर कब्जा किया हुआ है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने आपका जितना साथ देना था मैं दे चुकी हूँ। अपनी तरफ से मैं सारी चीजें कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है और एक बात कान खोल कर सुन लें आप। मेरे पास आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर आपके बेटे को पता भी चल गया ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी आप। क्या हो गया फातिमा? फरिया को तो गई काफी देर हो गई मेरे ख्याल में, और उसका भूत अभी तक सवार है तुम्हारे ऊपर। हाय हाय, ये फरिया मनोज तो मेरा सुख चैन लेकर चली गई है। पता है, कह रही थी कि अगर आपने मेरी अरसलान से शादी नहीं करवाई ना तो मैं आपके सारे राज फाश कर दूंगी। क्या ये क्या कह रही हो तुम? उसने ये सब कुछ कहा है तुमसे? हाँ, मनोज की बच्ची अमेरिका में ही रहती, वहीं मर खप जाती। कम से कम ये हड्डी मेरे गले में तो नहीं फंसती। फरिया अरसलान की मोहब्बत में घुटनों घुटनों डूबी हुई है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जिससे अरसलान उससे दूर हो जाए। है, ये अमीर लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम ये हद से ज्यादा सोच रही हो। आपको क्या जरूरत थी सामिया अरसलान को कमरे में भेजने की? अरे उसी वक्त धक्का दे के निकालते ना। क्या हो गया फातिमा तुम्हें? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? क्या ये अच्छा होता कि उस वक्त तुम्हें फरिया के सामने पलट के जवाब दे देता अरसलान? और दूसरी बात, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरसलान एक मरतबा जो काम करने की ठान ले वो करके छोड़ता है। बात सुने, मैं भी उसकी माँ हूँ। अगर वो जिद्दी है ना तो मुझे भी अपनी बात मनवानी आती है। चाय तैयार हो गई? जी ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। शुक्र है सामिया अपने घर चली गई। अम्मी उसे लेकर बहुत परेशान थी, पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई है वो। पहले शादी नहीं हो रही थी और अब शादी के बाद जिंदगी में इतने मसले मसाइल हैं। अल्लाह रहम करेगा। वैसे तबस्सुम, सामिया का अपने ससुराल में वापस जाना हमारे लिए बेहतर साबित हुआ। वो कैसे? तुमने देखा नहीं था किस तरह उसके सास और ससुर हम सब ने पैसों का तकाजा कर रहे थे? इसलिए तो आपसे कह रही थी कि उनके पैसे वापस कर दीजिए, इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। पैसे वापस कर देता तो आज दुकान ना होती। अब दुकान में काम करूंगा, पैसे आते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि सबके पैसे भी वापस कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह।